माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में जनजातीय आंदोलन के बारे में जानेंगे और जनजातीय आंदोलन में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है, आज हम इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की और कब की? 1917 में। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की और सरपंच या अध्यक्ष मन्ना पटेल। उपरमाल किसान पंच बोर्ड का सरपंच या अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। उपरमाल किसान पंच बोर्ड का सरपंच या अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। समाचार पत्र प्रताप और किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया। समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया। समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को उजागर किया गया। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को उजागर किया गया। अप्रैल 1919 में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ सरकार द्वारा एक जांच आयोग बनाया गया, जिसमें विभिन्न करों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो एक जांच आयोग कब बनाया गया? 19 अप्रैल 1919 में, और किसकी अध्यक्षता में? बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। और इस जांच आयोग ने किसकी सिफारिश की थी? विभिन्न करों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 1919 में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ सरकार द्वारा एक जांच आयोग बनाया गया, जिसमें विभिन्न करों को समाप्त करने की सिफारिश की गई। समझौता किस किस के बीच हुआ? एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच, और कब हुआ? 1922 में समझौता हुआ। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी मींस एजेंट टू गवर्नर, GOVERNER गवर्नर जनरल, GENERAL गवर्नर जनरल। समझौता किसके बीच हुआ? एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच समझौता हुआ, और कब हुआ? 1922 ईस्वी में। इस समझौते में 84 में से 35 कर माफ कर दिए। कितने कर माफ कर दिए? 84 में से 35 कर माफ कर दिए। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हुए, कब हुए? 1927 में। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1927 में अलग हो गए। और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 में। और अलग कब हुए? 1927 में। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1927 में अलग हुए, और विजय सिंह पथिक के अलग हो जाने पर नेतृत्व किसने संभाला? सेठ जमनालाल बजाज व हरिभा उपाध्याय ने। किसने संभाला? सेठ जमनालाल बजाज व हरिभा उपाध्याय ने नेतृत्व संभाला। दोबारा समझौता कब हुआ? 1931 में। किस किस के बीच हुआ? जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद। दोबारा समझौता हुआ 1931 में, और किस किस के बीच हुआ? जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच 1931 में। आंदोलन का पट्टाक्षेप कब हुआ? 1941 में, 1941 में। आंदोलन का पट्टाक्षेप कब हुआ? 1941 में, और किस किस के बीच हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य
मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल किल्सन के बीच समझौता हुआ या पट्टाक्षेप हुआ? आंदोलन का पट्टाक्षेप किस किस के बीच हुआ? 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल किल्सन के बीच पट्टाक्षेप की मध्यस्थता से पट्टाक्षेप हुआ, और कब हुआ? 1941 में। आंदोलन का पट्टाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल किल्सन की मध्यस्थता से हुआ। टी विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को समस्या का समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। टी विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को समस्या का समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। मोहन सिंह मेहता ने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्त मांगे मानकर उनकी जमीनें वापिस कर दी। मोहन सिंह मेहता ने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों के समस्त मांगे मानकर उनकी जमीनें वापिस कर दी। इस प्रकार 44 वर्षों तक चलने वाला यह आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन समाप्त हुआ। इस प्रकार यह 44 वर्षों तक चलने वाला यह अहिंसात्मक आंदोलन समाप्त हुआ। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1897 में, और कब समाप्त हुआ? 1941 में। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। दोस्तों दोबारा रिपीट करते हैं, १९१६ में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक, जिनका नाम मूल नाम भूप सिंह था, इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता था। विजय सिंह पथिक का जन्म ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, यूपी में हुआ। कौन सा जिले में हुआ? बुलंदशहर, यूपी में हुआ। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की? 1917 में। इस उपरमाल किसान पंच बोर्ड का सरपंच अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। समाचार पत्र कौन था? प्रताप। और किसने प्रकाशित किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और कहाँ से प्रकाशित किया? कानपुर से। समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को उजागर किया गया। अप्रैल 1919 में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ सरकार द्वारा एक जांच आयोग बनाया गया, जिसमें विभिन्न करों को समाप्त करने की सिफारिश की गई। तो जांच आयोग कब बनाया गया? 1919 में, और किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। समझौता हुआ एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच। समझौता किसके बीच हुआ? एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच। इस समझौते में 84 में से 35 कर माफ़ कर दिए। 84 में से कितने कर? 35 कर माफ़ कर दिए। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हुए 1927 में। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1927 में अलग हुए, और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 में, और अलग कब हुए? 1927 में। विजय सिंह पथिक के अलग हो जाने पर नेतृत्व संभाला, किसने संभाला? सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व संभाला। विजय सिंह पथिक के अलग हो जाने पर नेतृत्व संभाला सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने। दोबारा समझौता हुआ सेठ जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच, और कब हुआ? 1931 में। दोबारा समझौता जमनालाल बजाज में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच हुआ, और 1931 में हुआ। आंदोलन का पट्टाक्षेप 1941 में हुआ, और किस किस के बीच हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन के बीच समझौता हुआ। आंदोलन का पट्टाक्षेप या समझौता 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल किल्सन के मध्य हुआ।
टी विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को समस्या का समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। मोहन सिंह मेहता ने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्त मांगे मानकर उनकी ज़मीनें वापस कर दी। इस प्रकार 44 वर्षों तक चलने वाला यह अहिंसात्मक आंदोलन समाप्त हुआ। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था 1897 में और कब समाप्त हुआ 1941 में, कितने वर्ष चला 44 वर्ष। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।